हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ट्राई किया था वो मीशो में रॉकेट डील जेड ₹9, जो 8 बजे स्टोर ओपन होता है शाम के 8 बजे। तो मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करती हूँ। मैंने सारे प्रोडक्ट्स पहले देखे और मैंने वेट किया कि कब 8 बजते हैं और मैं कब स्टार्ट करूँ, मैं परचेज करूँ, ये ऑर्डर दे दूँ। लेकिन मैंने फर्स्ट डे जब किया तो मेरी घड़ी और मीशो की घड़ी 1 मिनट आगे पीछे थी, तो मैं लेट हो गई थी। मैंने सेकेंड डे किया, मैंने अलार्म लगा दिया था, मैं जो देखना था कि मतलब मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने अलार्म लगा के रखा हुआ था। मैंने 2 मिनट पहले का टाइमिंग लगा के अलार्म लगा दिया था। जैसे अलार्म बजा मैंने ओपन किया, मैंने सोचा चलो मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ ये फेक है या मिलता है। तो मैंने ट्राई किया, तो जैसे मैंने ट्राई किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे क्या एक्सपीरियंस रहा और मैंने क्या क्या किया। और मैंने एक दिन नहीं, मैंने 3-4 दिन तक ट्राई किया है, सिर्फ ट्राई किया है, और उसका रिज़ल्ट मैं आपको बताऊंगी। अभी टाइम स्टार्ट होता है 1 मिनट, अभी 59, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया। वो बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बस मैंने कोशिश जारी रखी और मैं कंटिन्यू ट्राई करती रही। तो बस ये जैसे जैसे ना, ये जैसे सेकेंड का काउंटडाउन वो हो रहा था ना, मेरा ना हार्ट बीट्स भी बढ़ रहा था, पता नहीं क्यों। जैसे मैं 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम देने बैठी हूँ वैसे हार्ट बीट्स बढ़ रहा था। अरे अभी 35 सेकेंड ही बाकी है। मैं भी एक्साइटेड थी मैं ये 9 रुपीज़ की शॉपिंग करने के लिए, शायद वैसा हो सकता है। तो मैंने बस खुशी भी थी, डर भी था, धक धक भी था, सोच भी रही थी कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सच है या नहीं है। तो बस इसीलिए, तो बस अभी स्टार्ट होता है हमारा काउंटडाउन और मेरी हार्ट बीट्स बढ़ रही है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। ये हो गया हमारा मीशो रॉकेट डील्स का स्टार्ट। अब मैंने ये चप्पल का किया तो कुछ और ही चीज़ मिला और मैं कंफ्यूज में करूँ क्या, फिर भी मैंने एक्सेल का किया तो 1 सेकेंड भी नहीं हुआ प्रोडक्ट आउट ऑफ डिलीवरी। मैं घूमी, मैंने देखा चलो और कुछ भी मंगा लेती हूँ, कुछ तो मंगाती हूँ, कुछ भी मंगाऊँ। ओनली 1 लेफ्ट था, फिर भी ये प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा, सारे सोल्ड आउट। मुझे लगता है कि मैंने शायद गलत तरीके से किया है या तो फिर ये फेक है, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि ओनली 1 लेफ्ट के बाद भी अगर आप कर रहे हो और आपको आउट ऑफ प्रोडक्ट इज़ अनअवेलेबल दिखा रहा है, मतलब मुझे नहीं पता है क्यों ऐसे बता रहा है। तो मैं तो इतनी कंफ्यूज थी और आधी चीज़ें तो दिख ही नहीं रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रहा है। आई थिंक सो, मुझे लगता है कि ये से शायद एक एक ही प्रोडक्ट रखा होगा और ओनली 1 लेफ्ट देखो दिख रहा है, फिर भी प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, मतलब ये पूरा फेक है। मुझे नहीं लगता है कि ये सच होगा और मेरा हो गया पचका। और ये मैंने ना, मैं कंटिन्यू 4-5 दिन से कर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा कुछ हो भी नहीं सकता। तो भाई साहब, मेरे लिए बिग डाउन थम्स है, बिल्कुल भी फेक है। आप घर पे ये ट्राई मत करना, टाइम वेस्ट मत करना, जो जिसके प्राइस में मिलता है वही प्राइस में ले लेना, उसी में समझदारी है। और आप घड़ी में भी देख रहे होगे, टाइमिंग में दिखा रही हूँ, देखिए 1 मिनट भी नहीं हुआ है मेरा, 1 मिनट भी नहीं हुआ, उसमें भी कुछ नहीं प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब कि आई थिंक सो ये पूरा फेक है। लालच बुरी बला है, बहुत बुरी बला है। चलो फिर गुड बाय, देख लो सब हो रहा है टाइप टाइप फेस और हम बन गए उल्लू। अच्छी वाली गाली देनी थी पर नहीं दूंगी, मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। हम और कुछ लेके आएंगे आपके लिए।